Assalamu alaikum, hello and welcome to my channel. So today is Friday, my husband is off and I had to go to buy something from the grocery stores. So, but now I'm going back home or ghar jaake aaj main banaungi yummy sa halwa puri ka brunch. So mere saath rahiye aur enjoy kijiye aur after brunch hum apna porch ka makeover karenge. So keep watching. Alright, तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है. अब इसमें कलौंजी और करी पत्ता डालूंगी. उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी चने जो कि मैंने पहले से बॉयल करके नमक के साथ और अच्छी तरह से गला के रख दिए हैं. आई एम श्योर हर किसी का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है, डिफरेंट रेसिपीज होती हैं, बट दिस इज़ हाउ आई मेक चने और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं. आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और you know, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है. तो प्लीज़ बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा. मसालों में मैंने ऐड किया इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और ज़ीरा पाउडर और ऑफ कोर्स हल्दी और थोड़े से रेड क्रश पेपर. उसके बाद पानी डाल के और मैंने दम पे रख दिया. और अब आप देखें चने कितने सॉफ्ट हो चुके हैं. मैंने ग्रीन चिली भी डाली थी जो कि मैं पहले बताना भूल गई. सो अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसको बस फाइनल दम पे रखूंगी और स्टार्ट करूंगी हलवा. तो हलवे के लिए ऑफ कोर्स पहले मैंने ऑयल डाला और जैसा कि आपको पता है कि हलवे में ऑयल ज़्यादा डलता है, तो मैंने थोड़ा ऑयल और थोड़ा बटर भी डाला ताकि उसमें बहुत you know, खुशबू आ जाए बटर की और बटर से टेस्ट भी अच्छा आता है. और फिर मैंने इसमें डाल दी 5-6 इलायची खुशबू के लिए जो कि मैं पहले भून के और फिर उसमें सूजी ऐड करूँगी. और अब मैंने डाली सूजी इसमें और मैं इसको अब भूनती रहूँगी जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन होने लगे और इसकी खुशबू आने लगे. अब इसके साथ साथ मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छी तरह से सूजी के साथ मिलके और भुन जाए. शुक्र है आजकल मौसम बहुत मज़े का हो गया है जिसमें आप आराम से बाहर घूम सकते हैं और गार्डन्स भी जो हैं वो थोड़े थोड़े ग्रीनरी में आने लगी है. तो ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि इंसान थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाए और इन्जॉय करे. क्या ख्याल है? और अब मैं इसमें पानी डाल के और बस दम पे रख दूँगी और एंड में चेक करूँगी कि मुझे जितना इसको गाढ़ा रखना है. देखें कितना मज़ेदार हलवा तैयार हो गया जल्दी से. इसमें मैंने ड्राई फ्रूट में ऐड किया कैशूज और वॉलनट्स जो कि मेरे फेवरेट हैं और इस वक्त मेरे पास एक्चुअली अवेलेबल भी यही थे, तो मैंने इसमें वो ऐड किए हैं और इट्स डन नाउ. और जनाब अब मैं फटाफट से फ्राई करूँगी दो पूरियाँ जो कि ऑलरेडी बनी हुई हैं, अनकुक्ड हैं. उनको सिर्फ मुझे फ्राई करना है. कॉस्को से ये पैकेट मिलता है ऑर्गेनिक, बहुत ही मज़े की होती हैं. इसको आप चाहे तो चपाती की तरह बनाएं, चाहे तो फ्राई करके पूरी बना लें, बहुत ही टेस्टी बनती है.
तो जनाब हमारा ब्रंच तैयार और मैं और मेरे हस्बैंड अब यहाँ पे बैठ के खाएंगे क्योंकि उसके बाद जो है हमें अपनी पोर्च सेट करनी है। सो कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, यह है हमारी पोर्च। कुछ स्पेशल नहीं है, बस जो कुछ हमारे पास अवेलेबल था जैसे हम यहाँ मूव होके आए, तो इस पर हमने बस ये सारी चीज़ें रख दी थी और अब हम इसकी सफाई करके और सेट करेंगे, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। And here's the final look. तो ये चेयर्स और टेबल जो है इट्स फ्रॉम वॉलमार्ट विच इज़ अंडर $100। हमें बहुत पसंद आई इसीलिए हमने ले लिया और इट वॉज अंडर आवर बजट। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास थी और मैंने सारा जो है अपने घर में से ही शॉप अराउंड किया और सारी चीज़ें इकट्ठी करके और यहाँ पे हमने इस तरह से अरेंज कर ली है। ये फेक प्लांट है जो कि मैंने वॉल स्टिकर के साथ लगाया है और ये वेलकम साइन ये भी मेरे पास पहले से थी। तो और इस वॉल पे हमने ये ब्रिक आर्ट लगाया है जो कि 3D वर्क है, हमें बहुत पसंद आया। ये हमने बहुत पहले से लेके रखा हुआ था, अब मुझे याद नहीं है कि कहाँ से लिया था, आई थिंक हाबी लाबी या कहीं से, लेकिन बहुत अरसे पहले से। सो दिस इज़ आउटडोर कैंडल फॉर मस्कीटोज, तो ये भी हमने यहाँ पे रखी है और ये पॉट मैंने ख़ुद बनाया था। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सेटअप कैसा लगा और आपने इन्जॉय किया या नहीं किया, मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी एंड या प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ब्रंच और ये पोर्च मेकओवर कैसा लगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड हेल्दी।